हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है बेसिकली हमारा ट्रिप, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं तो अभी हम निकल रहे हैं। ये हमारे साथ जा रहे हैं सोएब भाई, तो हमारे साथ अभी उसामा ने जाना है, समी ने जाना है और किसने जाना है? बस हम चार लोग ही हैं। हम चार लोग हैं, मैं, समी और उसामा। चलें जी। मैं काफ़ी अर्से बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि एज मुझे नीचे कमेंट्स आ रहे थे माइक ले लें, आवाज़ में बहुत शोर है, उस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्योंकि वो जो है ना डिस्टॉर्शन की वजह से लाइफ इधर इतनी बिजी हो जाती है कि वो माइक जो है ना, ना वो लेने का टाइम मिला ना मुझे मार्केट जाने का टाइम मिला। तो आज फिर मोबाइल दूसरा है इसलिए बना रहे हैं ताकि एटलीस्ट मतलब ब्लॉग बना रहे हैं तो आवाज़ क्लियर आए। अभी रास्ते में हैं, हमने उठाना है उसामा को, वहां पहुंच के फिर मिलते हैं आपसे। 1 minute 37 seconds later। ओ मुंडा नहीं फड़िया जाना उन्हें भाई, शक्ल ही चेंज है बंदे की आज। उसामा साहब पीछे बैठ लो। अस्सलाम वालेकुम। अब चकले आ गया हो ये। तो मुझे आज तकरीबन 8 महीने हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, मैं अभी तक कहीं घूमने नहीं गया। तो हमारा कॉलेज का सर ने कहा कि क्यों ना एक प्लान किया जाए घूमने का। तो बच्चे तो 18-19 हैं, 18-19 नहीं 25 के करीब हैं, 25 के करीब हैं। हम जा रहे हैं आज मार्गरेट रिवर केव। समी साहब आपसे नहीं रहा यार, तो मेरा कसूर तो भाई भाई हौसला रखो, हौसला हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। ओके ये हैं भाई समी साहब, औकात से बाहर हो के आते हुए। तो अभी हम निकल रहे हैं उस पॉइंट की तरफ जहाँ सर ने हमें बुलाया था कि सब ने इकट्ठे होके जाना है, तो वहाँ पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे। स्कूल की पार्किंग है, एक सर ने कहा था यहाँ पे इकट्ठे होना है सबने। नजर तो नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सीन है, ये कुछ और ही लग रहा है। ओए ओए ओए। ये हमारे सर ये दूसरी साइड पे वेट कर रहे थे, ऑपोजिट साइड है शायद स्कूल की। अस्सलाम वालेकुम सर, भी नहीं आया आप लोग यार? वो मैं रात 10 बजे जाके सो गया हूँ, काम पे नहीं गया। इसको अभी पंप से लेके आ रहे हैं उसामा को भाई, इसने जॉब नहीं की। अच्छा अच्छा वहीं सोया था, हमने भी नहीं काम किया, काम तो अच्छा था। काम शराब आप तो जॉब करते हैं, आवाम पूरी हो चुकी हुई है और बस 10 मिनट में हम निकल रहे हैं और 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। कैमरे के तले गड्डी नहीं है बाबा जी, निकलना इधर ही।2 घंटे 40 मिनट। ये भाई हमारे सारे, हमें लगा सर ने सुकून सुकून से जाना है। ਡਰਾਈਵਰ ਚੇਂਜ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤਮਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਡ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਵਾ। ਆ ਡਾਲ ਲੈ
सॉफ्टवेयर अपडेटेड। ये भी हमने एक जोन क्रॉस किया जिसे कहते हैं एवरेज स्पीड जोन, जिसके अंदर कैमराज जो है जब हम एंटर हो रहे होते हैं उस वक्त हमारी स्पीड देख लेते हैं और कैसे कैसे करते हैं, मतलब आखिर में आगे फिर कैमरा आएगा ना 4-5 किलोमीटर के बाद, पहले वो हमारी स्पीड और टाइम दोनों देखेगा, स्पीड और टाइम नोट करेगा, उसके बाद वो जब हम दोबारा गुजरेंगे ना तो वो टाइम नोट करेगा कि अगर 110 पे बंदा रहता है तो उसे इतना टाइम लगना चाहिए, अगर उस टाइम से पहले बंदा क्रॉस करता है तो वो फ्लैश बच जाएगा आपको। One hour later. ये हम जंगल में आ गए हैं। 500 कहाँ गए? अभी तो रास्ते में जा रहे हैं। ये देखिए फील्स, लेफ्ट एंड राइट में हमारे फील्स। नहीं फील्स नहीं, खेत है खेत। ये दो अभी पीछे आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी होती है। ये वाली ऑस्ट्रेलियन कहाँ है ना? ए जी ऑस्ट्रेलियन मंजी ने। मंजी। वो खोल के बैठी थी ना? आए हुए। वो खोल के। चल मेरा ध्यान रख क्या चलवा। भाई ये ले लिए एक ब्रेक। रेस्ट टाइम। पहले मेरी हो जाए। इस जगह पे भाई हमारे फोन के सिग्नल खत्म हो गए हैं। कोई अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो वो अल्लाह मालिक है, वैसे तो अल्लाह मालिक होता है। ये व्यू मैंने शुरू में वीडियोस में देखे थे भाई, ये जो सामने रोड है ना सच में मजे का। कितने का जोन है? 100। आप कितने पे जा रहे हो? 99। भाई हम पहुंच चुके हैं और सारे हमसे पहले पहुंच गए, थोड़े से लेट हो गए हैं हम, जरा वो हम आए हाय थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं यहाँ। तो ये हम पहुंच चुके हैं केव, तो अभी बस जा रहे हैं अंदर। तो ये एंट्रेंस के वक्त लाइन लगी हुई है अभी। अली भाई हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? हम अपनी बारी का। सुबह शिफ्ट है आपकी? नहीं, अरे हाँ है। ओके ये पता नहीं क्या चीज़ है। अली भाई क्या करना है इसका? कान पर लगाना है। क्यों? ये अंदर जाके पता चल। A few moments later. Yes, sir. तो अपने इस पे 100 प्रेस करोगे और ये हेडफोन्स लगा लो पहले और फिर आप मैसेज सुनोगे, फिर आप स्टार्ट योर टूर बाय एंटरिंग द 101, ठीक है? एंटर करते जाओगे, 101 करोगे, आपको पूरी गाइडेंस बताएगा, उस स्पॉट पे आगे जाके रुकोगे, उधर प्लेट लगी हुई होगी और फिर वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपने क्या प्रेस करना है और फिर आप वो सुनते जाओगे। इट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड दे विल एक्सप्लेन एवरी स्पॉट देयर कि आपका ये कैसे बना, कितने मिलियन ईयर्स अगो ये चीज़ आई और किसने ईजाद की, किसने फाइंड की कह लो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आपने अपनी पेस पे सुनना है, आप अगर आपको नहीं समझ आई आप दोबारा भी कर सकते हो, हर किसी का इंडिविजुअल है, ये किसी को नहीं समझ आ रही आप रिपीट कर सकते हो उधर जाके। तो अपना वॉक करते जाओ, जिसने पिक्चर्स लेनी है लेते जाओ, जिसने वीडियोस बनानी है बनाते जाओ। तो ये हम एंटर होने लगे हैं केव।
इस जगह के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, बस ये पता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी है और किसी बंदे ने इसको डिस्कवर किया था। अल्फाज बुलफूज को नहीं आ रहे भाई, ये पता है ये जगह हमने मूवीज़ में देखी है ज़्यादातर, उसके अलावा ये अभी साथ नीचे लेके जा रहे हैं हमें। बस जब से एंटर हुए हैं सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, व्यू तो वही सेम ही है। तो सर ये आप पहले भी ट्रिप ले गया कैसे रिएक्शन हुआ, कितने मिलियन ईयर्स पहले से ये बनी हुई है, जैसे नेचुरल डिस्कवरी ना, लाइक आप आर्टिफिशियल ये बना नहीं सकते ये सारा कुछ। तो ये आप सुनते जाओ, आप अपनी मस्ती में लगे हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको कम्प्लीटली देता है, हेडफोन से लगा के सुनो। हाँ, आपको जैसे ये ख़त्म हो जाएगा आगे जाओगे 108 आएगा, वहाँ पे आपको बताएगा उस स्पॉट पे, उसके इर्द गिर्द देखो और उसको इन्फॉर्मेशन को सुन लो, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा प्रेस करके सुन लो। ये हेडफोन हमें दिए हैं कि इसमें हिस्ट्री बता रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या बता रहे हैं आपको, कुछ समझ आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रही। लुक एट ओवर हियर, कि किसी भी आर्टिस्ट किसी को भी बताओ कि यार ऐसी चीज़ बना के दिखा दे तो वो नहीं बनता, ठीक है? जैसे पुराने ज़माने में अल्लाह ताला ने, हालांकि अरब के लोग होते थे ना, अरबी उनकी ज़बान थी, लेकिन अल्लाह ने कुरान में भी कहा कि आप ऐ मोहम्मद इनको कहो कि ये एक आयत भी बना के मुझे दिखा दें कुरान जैसी। तो जो बड़े बड़े शायर थे ना अरबिक के, वो लगे रहते सालों साल वो चीज़ वो नहीं बना सके। तो ये एक निज़ाम होता है कुदरत का, जब आप एक्सप्लोर करते हो नेचर, और इट्स नॉट अबाउट 100 ईयर्स, इट्स अबाउट थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। आप इनकी हिस्ट्री सुनो ना, उन्हें एक्सप्लोर किया, जो आर्कियोलॉजिस्ट वो जो स्टडी करते हैं ना रॉक्स की, और जो उनको होता है, फिर इसी तरह जब हिस्ट्री में आपको किसी से भी वेस्टर्न के जो होते हैं ना उनकी हिस्ट्री से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, जो इस्लाम की हिस्ट्री है। फिर जो जब अल्लाह ने कहा हुआ कि तुम में से पहले कौमें आई और मैंने तबाह कर दी, ठीक है, तो वो क्या था? वो यही था कि अब देखो वो कहते हैं जी बगदाद में या इन वाले एरियाज में जी उन्होंने नीचे देखा, एक पहले ही शहर था और वो लोग ज़्यादा एडवांस और सिविलाइज थे। हमें लगता है कि हमारी जनरेशन की टेक्नोलॉजी बहुत है, जब आपने आप में से वो लोगों ने मिसाल भी सुनी होगी वो चरवाहे की, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या एग्जैक्ट वाक़या देखा, उससे पूछा कि इधर फरिश्ता आया हुआ है तो बताओ वो कहाँ है, तो उसने वो कैलकुलेशन की सर्कल, उसने कहा ना इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो इसी वादी में है और मैं हूँ नहीं और तुम हो, वो तुम हो, ठीक है। तो ये वो फैक्टर, हाँ हाँ, वो मतलब कि वो एग्जैक्ट जो भी उनके बनाए हैं मुझे वो एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये आप जब करते हो ना, आप इसको देखो, टाइम लो और देखो यार कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे मतलब कि अगर आपने रिलीजनली वाइज देखना तो कैसे अल्लाह का निज़ाम है, अगर आपने साइंटिफिकली देखना आपने वो हेडफोन उसको सुनोगे जो साइंटिस्ट कहते हैं कि आप कैसे रिएक्शन हो। अब ये देखो, ऐसे लगता है अभी को पानी लगा के गया हुआ है, लगता है आपको? तो हालांकि मतलब कि हो सकता है इसको हज़ारों साल हो गए हो, ये ऐसे ही हो, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और वो कहते हैं कि जो ये चूँच है ना, वो लेक के जो गया था ना उसमें भी शायद, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो गाइडेड टूर था, दैट वाज वेरी फनी। तो वो कहते हैं ये कितने साल बाद, कितने सौ साल बाद इतनी सी सेंटीमीटर या मिलीमीटर बढ़ती है। अगर आप चाहते हो ना कि ये आप कल को देखना चाहोगे यार ये वाली कितनी नीचे आ गई यहाँ तक, तो इसको भी हज़ारों साल लग जाएंगे नीचे। ये वो साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, और ये ऊपर वाले का निज़ाम है कि ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये देखो, अगर आपको ऐसे लग रहा होगा यार ये बढ़ता बढ़ता शायद इधर आके लग जाए, ठीक है, यार ये गिर ना जाए, देखो कोई भी चीज़ गिरती नहीं है, ये देखो ये कैसे स्टैंड हुआ हुआ आपस में। और उसने बताया था कि इसका वेट टन्स एंड टन्स है, तो कि केजीज में नहीं है, टन्स में है इसका वेट। ये है, मुझे तो बड़ा मतलब ये चीज इंस्पायर करती है। वो देखो यहाँ से देखो कैसे शाइन करता है ये पार्ट देख रहे हो, हालांकि ये सब वो वाला देखो, कोई पेंट कोई उसकी केयर नहीं है, कोई केयर नहीं है, सिर्फ बंदे ने बस वो वाला देखे जैसे वो जैसे, हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना वो। अब वो देखो जो मैंने आपको ये लेके भी देखा, ड्रैगन बनता है, खुद ही बनता है ड्रैगन, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप अगर साउथ साइड पे जाओ, एलिफेंट रॉक्स बनती है अगर आपने देखी है,
ये सारे फैक्टर्स हैं और आपको मतलब बड़ा इंस्पायर के वो देखो वो जो स्टिक्स ही है सारा कंबाइन हो के वो गिर गिर के वो ऐसे बन गया और वो कैसे पिलर सा बन गया और कितने स्मूथ सर नहीं ये तो एक टाइम आएगा तो ये जगह ही बंद हो जाएगी फिर इस तरह से नहीं यही तो मैं अभी बता रहा था कि ये बंद होते हुए भी थाउजेंड ऑफ इयर्स लगेंगे अब ये देखो ये जो आपकी रॉक आगे को आई हुई है ये गिरती नहीं है पीछे क्या सपोर्ट है बोता थक गए जे किन्नी सीढ़ियां थी खाने का टाइम हो चुका हुआ है और हम खाना खाने जा रहे हैं थक गए हैं बहुत ज्यादा खाने का टाइम हो गया बहुत शदीद जो है ना भूख लगी भी थी लेकिन हमने रास्ते में लेज ले लिए तो थोड़ी सी मर गई थी खाना ब्रेक हो गया जी हो जाएगा शर्मा साहब चस आ गई जी फोटो शोटो बना लेगी चलो बनाते हैं खाने के लिए अभी हम जगह देख रहे हैं खाने के लिए खाना खाने के लिए जब तक ये लोग जगह देखते हैं तब तक हम जरा शूट मूट कर लें उसामा साहब कर ली चल साल मार दे नहीं यार सबूत से थोड़ा सा नीचे होप सो हम पहुंच गए हैं थक गए हैं ऐसे बहुत देखते हैं खाने की जगह नहीं मिल रही थी इनको क्योंकि बारबेक्यू करना है और वो अलाउड नहीं है तो कहीं साइड एरिया ही देखना था नीचे कहीं होंगे चल के देखते हैं 1 minute 37 seconds later finally ये है अभी हमारे खाने का निजाम ये फ्रेश बना रहे हैं आप ताजे भी ये भी मैरिनेट करके लाए थे चिकन ये मेरी भी साथ मैंने लगी थी मैंने गोश्त किया था तो वो नींबू भी काटे हैं मेरी उम्र में अभी तक दर्द है तो ये आप एंजॉय करें ये नींबू निचोड़ थे नींबू निचोड़ हां साथ में चटनी भी बनाएंगे ओके टी टाइम टी वाज फैंटास्टिक ये करूंगी सही पकड़ना टोपी से आप रजनी वाली वो शावा पूरी का रबड़ गई है पत्ती चीनी ए दल्लू पौड़ी पोछे नु की नाम खाना खा लिया होगा अब हमारे दिन एंड हो गया निकलने का सोच रहे हैं कुछ लोग अपनी दुनिया में गुम हैं उनको गुम रहने देते हैं चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़